और आज हम निकल रहे हैं अरुणाचल ड्राइव के लिए। द डिस्टेंस इज एग्जैक्टली 159 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। वैसे एक बहुत अजीब बात है, ईस्टर्न रीजन में 5:30 बजे इतना डार्कनेस होता है, मतलब घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही पहला टोल आ गया। जस्ट सी हाउ नैरो दिस रोड इज। हाँ बढ़िया, ठीक है ना? बढ़िया बढ़िया। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गुड इवनिंग फ्रॉम कोलकाता। अभी हम हैं कोलकाता में और आज हम निकल रहे हैं अरुणाचल ड्राइव के लिए। सो टुडेज जर्नी इज गोना बी फ्रॉम कोलकाता टू बोलपुर। तो बोलपुर तक की जर्नी है और वहां तक जाके हम लोग रुक जाएंगे। आज है 11th November, सो टुडे इज 11th November एंड वी आर स्टार्टिंग आर जर्नी टूवर्ड्स बोलपुर विच इज नियर शांति निकेतन एंड इट इज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सो डिस्टेंस अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास होगा, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है आज के लिए। सो जल्दी से कार में बैठते हैं और निकलते हैं। We have started our journey from home and it is 4:56 in the evening. लगभग 5 बज चुके हैं और हम लोग बस निकल ही रहे हैं इन गलियों में से। अब तो हाईवे काफ़ी दूर है। The distance is exactly 159 kilometers from here. ETA दिखा रहा है 8:30 in the evening. So ऐसा है सीन, चलते हैं फटाफट। अब जितना जल्दी हाईवे टच करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जो छोटे छोटे रास्ते हैं उनमें काफ़ी टाइम निकल जाता है। So yeah, that's how it is. ऑल राइट, सो टिपिकल ऑफिस टाइम ट्रैफिक। हम काफ़ी देर से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और जो ETA है वो 5 मिनट आगे बढ़ के 8:35 हो चुका है। उस टाइम पे 8:30 था, बचे हुए अभी भी 151 किलोमीटर्स, तो डिस्टेंस थोड़ा कम हुआ है लेकिन टाइम बढ़ गया है। सो यहाँ से लेना है राइट और फिर हम मिल जाएंगे डानकुनी वाले हाईवे पे, वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स द प्लान सो फार, बट अब तो बस रुके ही हुए हैं, नॉट मच प्रोग्रेस। वी आर ऑफ, थोड़ा सा मूवमेंट है ट्रैफिक में, हैवी ट्रैफिक है क्योंकि 5:30 बज रहे हैं। वैसे एक बहुत अजीब बात है, ईस्टर्न रीजन में 5:30 बजे इतना डार्कनेस होता है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर डार्कनेस है। हैदराबाद में तो 7 बजे तक उजाला रहता है। सो ऑब्वियसली द जियोग्राफिकल चेंजेस विल हैव चेंजेस इन द सनसेट एंड सनराइज टाइमिंग्स। तो हाँ, बढ़ते हैं आगे। के रास्ते काफ़ी पतले होते हैं, मतलब आपको बहुत प्रिसीशन चाहिए चलने के लिए। मुझे बहुत कम आदत है इतने नैरो रोड्स पे चलाने का, तो मुझे तो काफ़ी डर लगता है। सामने है NH12 जो कि हमें टूवर्ड्स डानकुनी ले जाएगा। एक्चुअली हैदराबाद के लिए भी यहाँ से जा सकते हैं, ये वो एक आउटलेट है सिटी का, कैलकटा सिटी का। सो दिस इज़ द रोड वी आर गोना टेक राइट नाउ एंड देन गोइंग अहेड वी विल डाइवर्ज टूवर्ड्स बोलपुर, नॉट टूवर्ड्स हैदराबाद, बिकॉज टुडेज़ डेस्टिनेशन इज़ बोलपुर ऑब्वियसली। सो ऐसा है कि नाउ द मूवमेंट शुड बी अ लिटिल स्मूदर, क्योंकि अब लग गया है हाईवे, सिग्नल अभी भी रेड है। सो वी आर ऑन द ब्यूटिफुल ब्रिज ओवर द हुगली रिवर एंड प्रोसीडिंग अहेड टुवर्ड्स बोलपुर ऑन द नेशनल हाईवे 12। सरप्राइजिंगली ये टोल कुछ ज़्यादा ही खाली है, मतलब कुछ है ही नहीं, एक भी गाड़ी नहीं है। एंड घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही पहला टोल आ गया। कितने किलोमीटर हुआ हमारा? 15 किलोमीटर। वाह बढ़िया, 5:33। अब प्रोग्रेस ठीक है क्योंकि रास्ते अच्छे हैं और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही रास्ते चलते रहें ताकि जल्दी से हम लोग पहुँच जाएँ बोलपुर। सो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन हो सकता है, एक्सट्रीम जो लेफ्ट में रोड जा रहा है वो नहीं लेना है, हमें जाना है टुवर्ड्स दिल्ली। करेक्ट, खड़गपुर वाला रोड नहीं लेना था, वही दिखा रहा है मैं अपना। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। राइट राइट, दिल्ली वाला रोड लेना है, नॉट खड़गपुर। खड़गपुर वाला विल गो टू हैदराबाद। राइट, तो ये है दिल्ली रोड और हम चल पड़े टुवर्ड्स बोलपुर। वी आर अबाउट 77 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम शांति निकेतन या बोलपुर व्हिच इज द डेस्टिनेशन ऑफ द नाइट। हाईवे का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, जब से हमने हाईवे टच किया है काफ़ी अच्छे रोड है, ट्रिपल डिजिट्स मेंटेन कर पा रहा था मैं। एंड वी आर स्टिल अबाउट 22 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बर्धमान, दिस इज़ अ प्लेस ऑन द वे दैट्स गोना कम ऑन द वे, दिस स्लाइट डेरो टू दैट।
and post that another 55 kilometers to Bolpur or Shantiniketan. So yeah, that's the update so far. It is 8:38 p.m. in the evening right now. So what you see over here is a place called Shaktigarh, which is famous for a Bengali specific sweet, which is called Langcha. So I'm not stopping here this time, but generally we stop here to have Langcha. And there are n number of shops which sells the same sweet, which is like a specialty of this area. So अब तक हम चलते हुए आए हैं NH12, उसके बाद NH19 पे, और अब हम लोग डाइवर्ट होने वाले हैं ऑन NH114. उसको NH2B भी बोल रहा है मैप. मुझे आइडिया नहीं है ये क्या रास्ता है या कैसा रास्ता है, बट ऐसा ही डायरेक्शन दे रहा है मैप. सो हम चलते हैं इस रोड पे. एक यहाँ पे यूटर्न लेना है हमको. अब द रोड दैट इज़ गोइंग स्ट्रेट दैट वी आर कंटिन्यूइंग ऑन गोज टू अ प्लेस कॉल्ड बुधबुद and we'll take the right to go towards Shantiniketan or Bolpur. Okay, so like you see ahead, ab rasta aur four lane nahi raha, no divider, ab aisa hi chalega, single lane wala two way route. So I think aisa hi chalega till Bolpur. To ab wo speeds nahi maintain ho sakte jo ab tak ho rahe the, but theek hai, zyada distance bacha bhi nahi hai, lagbhag 51 kilometers bache hue hain Bolpur mein. Aur hum Bolpur mein टूरिस्ट लॉज पे रुकने वाले हैं आज का जो रात है. सो वो बुक्ड है, वहीं का मैप लगा हुआ है. यहाँ बता रहा है 1 hour 17 minutes टू द डेस्टिनेशन. तो 50 किलोमीटर्स की अगर 1.17 आपको दिखा रहा है टाइमिंग, मतलब रास्ते उतने अच्छे नहीं होंगे. 50 के MPH का एवरेज नहीं आ रहा है. वी आर अबाउट 70 odd kilometers फ्रॉम आवर स्टे फॉर द नाइट. वी आर अप्रोचिंग शांतिनिकेतन. And the same road continues. The surface of the road is pretty good. It is in a good shape. However, because it doesn't have a divider, overtaking is a little bit of a challenge. But एक चीज़ अच्छा ये है कि ज़्यादा traffic नहीं है. थोड़ा बहुत trucks चल रहे हैं and they are slow moving traffic, so we can just go ahead. So हाँ, ठीक ठाक सा है progress. अब बच गए आधा घंटा और 16 किलोमीटर और बचे हुए हैं. जल्दी से पहुँचते हैं and then I'll update you guys further. Just see how narrow this road is. My goodness. Oh, full Diwali lighting by the truck. यही वाला ना? शांतो बीतान टूरिज्म प्रॉपर्टी. डालो अंदर. ये एंट्रेंस है. नाइस. ठीक है, मे बी यू कैन गो टॉक, आई विल पार्क एंड कम. ऑलराइट फोक्स, तो पहुंच गए हम लोग डेस्टिनेशन टूरिस्ट लॉज बोलपुर में, और अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसे अंदर से. Right, so we have reached Bolpur or Shantiniketan, and this is the stay for the night. My car is parked right over there. ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बिल्कुल रूम के साइड में पार्किंग है. सो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा था ये. एंड द रूम्स आर प्रीटी नाइस. आई हैव ऑलरेडी शोन यू दैट इन द वीडियो.
बस अब डिनर करेंगे, पहले थोड़ा चाय पियेंगे फिर डिनर करेंगे और सो जाएंगे। आज का ज़्यादा कुछ प्लान है नहीं, कल सुबह उठ के निकलना है हमको। द जर्नी वुड बी अ लिटल लॉन्ग एंड टायरिंग टुमारो, क्योंकि कल या तो सिलीगुड़ी या फिर अलीपुरद्वार तक जाना है, जो कि थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा और रास्ते उतने ठीक ठाक नहीं भी मिल सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, गुड नाइट।